दोस्तों हर कोई बड़ा बाइसेप बनाना चाहता है, हम में से हर कोई इंसान चाहता है कि उसका बड़ा बाइसेप हो, क्योंकि एक बड़े बाइसेप से उसकी जो पर्सनलिटी वो काफ़ी अच्छी लगती है और उसकी जो बॉडी है काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। एक बड़े बाइसेप होने से ओवरऑल पर्सनलिटी आप देखते हो काफ़ी अच्छी लगती है। फ्रेंड्स सबसे पहले समझ लेते हैं बाइसेप के दो मेजर मसल्स होते हैं, शॉर्ट हेड लॉन्ग और लॉन्ग हेड। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसी एक्सरसाइज और उसके पीछे किस तरह की टेक्निक आपको यूज़ करना है जिससे आपके बाइसेप का साइज है काफ़ी तेज़ी से गेन होगा। इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे वर्कआउट और उसके पीछे किस तरह से आपको परफॉर्म करना जिससे आपका जो बाइसेप का साइज है वो काफ़ी तेज़ी से गेन होगा। कोई भी वर्कआउट करते हैं उसके पीछे का साइंस आपको पता होना चाहिए और टेक्निक पता होनी चाहिए, तभी एक अच्छे मसल्स बन पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आते हैं पहले एक्सरसाइज के ऊपर, जियो है हैमर कर्ल। हैमर कर्ल से क्या होता है फ्रेंड, आपके दोनों हेड को इफेक्ट करता है, आपके लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड बाइसेप दोनों पर इफेक्ट आता है। इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने से आपके जो बाइसेप का जो साइज़ है काफ़ी तेज़ी से गेन होता है और लॉन्ग हेड। अब इस एक्सरसाइज की टेक्निक बता लेता हूँ मैं किस तरह से करना। आपको दीवार का सपोर्ट लेना है और इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने से जो आपका एल्बो है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा और जो इफेक्ट है आपके बाइसेप पे आएगा जिससे आपका शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड दोनों बाइसेप अच्छे से ट्रेन होंगे। इस तरह से आप दीवार की सहायता ले सकते हैं जिससे आपका एल्बो बैंड नहीं होने से आपका जो बीच वाला जो मसल है बाइसेप वहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। फ्रेंड्स इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे जिससे आपका बाइसेप का साइज काफ़ी तेज़ी से गेन होगा। इसके आपको 4 सेट और 12 रेपिटेशन करना है। अब आते हैं दूसरे वर्कआउट जो है बाइसेप कर्ल। फ्रेंड्स आप देखिए इस तरह से आपको बाइसेप का कल करना होता है और आप सभी को पता है इस तरह से बाइसेप कल करते हैं, लेकिन इसके पीछे का टेक्निक बता देता हूँ। जब भी आप अपने बाइसेप को ऊपर लेके आएंगे, जब थोड़ा सा ऊपर आपका बाइसेप का आएगा, जैसे ही आप वर्कआउट करते हैं बाइसेप को ऊपर लेने के लिए, उस टाइम पे आपको क्या करना, हल्का सा थोड़ा सा बैंड करना है, अपने हाथ को थोड़ा सा बैंड करना है, अंदर की ओर मोड़ना है, जिससे कि आपका शॉर्ट हेड जो बोलते हैं उस पर इफेक्ट आता है और बाइसेप जो है गोल आकार का बनता है। इस तरह से इस वर्कआउट को आप परफॉर्म करेंगे जिससे आपका बाइसेप का जो बीच वाला जो गोल हिस्सा होता है वो डेवलप होता है। फ्रेंड्स इसके आपको 4 सेट और 12 रेपिटेशन करना। अब आते हैं तीसरा वर्कआउट जो है बारबेल कर्ल। फ्रेंड इस तरह से इस वर्कआउट को आपने किया भी होगा और आपको पता भी इस तरह से करना होता है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न बता लेता हूँ किस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है जिससे आपके जो बाइसेप का साइज काफ़ी तेज़ी से गेन होगा। फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आप बाइसेप बारबेल कर्ल को अगर शॉर्ट पकड़ते हो यानी क्लोज पकड़ते हो तो आपका जो बाइसेप का जो लॉन्ग हेड है वो ट्रेन होता है। इस तरह से अगर आप शॉर्ट पकड़ते हो तो आपका बाइसेप का लॉन्ग हेड ट्रेन होता है, अगर आप ब्रॉड पकड़ते हो तो आपका बाइसेप का जो है शॉर्ट हेड ट्रेन होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आपको ये एक्सरसाइज दोनों तरह से करनी है, आपको शॉर्ट ग्रिप में भी पकड़ना है, क्लोज ग्रिप में भी पकड़ना है और वाइड ग्रिप में भी पकड़ना है, जिससे आपका बाइसेप का दोनों मसल्स ट्रेन होगी। फ्रेंड इसके आपको 3 सेट और 12 रेपिटेशन करना है जिससे आपके बाइसेप के जो दोनों हेड अच्छे से ट्रेन होता है। अब बात आती है चौथे वर्कआउट जो है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। फ्रेंड्स अमेरिकन रिसर्च एसोसिएशन में कहा गया है अगर आप सच में बाइसेप बनाना चाहते हैं, एक अच्छा शेप देना चाहते हैं, अच्छा लुक देना चाहते हैं तो इस वर्कआउट को जरूर करें। इस वर्कआउट में क्या करेंगे, आप अपना हाथ की जो है अपनी जांघों का थोड़ा सा सपोर्ट लेंगे, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेना। जब भी आप हाथ को ऊपर लेके आएंगे तो स्लोली लेके आएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसको आपको 4 सेट और 12 रेपिटेशन करना है, इससे आपके बाइसेप का जो बीच वाला कोल वो बढ़ता है। अब बात आता है पांचवा वर्क फ्रेंड्स जो है ये है बारबेल पीचर कर्ल। फ्रेंड्स आपने पीचर कर्ल बारबेल से किया होगा, लेकिन ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, डंबल से करेंगे, डंबल पीचर कर्ल करेंगे। इस तरह से अगर सिंगल हैंड से भी करते हैं तो आपका बाइसेप का जो शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड दोनों मसल्स ट्रेन होते हैं और एक अच्छा आकार का बाइसेप बनता है। फ्रेंड इस तरह से इस वर्कआउट को आपको परफॉर्म करना, अगर सिंगल हैंड से करता है तो ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर आपको इस वर्कआउट के आपको 3 सेट और 12 रेपिटेशन करना है। फ्रेंड्स इस तरह से हमने आपको ये बताया और किस तरह से टेक्निक आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।